सबको मेरी सबसे पहले राम राम और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल शाम को सभी लोग रावण का पुतला फूंक के आ गए, अच्छी बात है। विजय दशहरा का अवसर था, धर्म के अधर्म पर जीत थी। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब मरते हुए रावण को भगवान श्री राम ने माफ़ कर दिया, उससे अपनी शत्रुता नहीं रखी, तो फिर हम कौन होते हैं? अगर वो अधर्मी था तो अधर्मी आप भी हो। क्या आपके अंदर पाप नहीं छिपा हुआ? क्या आपके अंदर मैल नहीं छिपा हुआ? सब कहते हैं कि मैं राम हूँ और भगवान श्री राम की तरह बनना चाहूँगा, मगर क्या उससे पहले आपने अपने अंदर के रावण को मारा? आपके अंदर कितना पाप भरा हुआ है कि आपने उस पाप का नष्ट किया? गंगा में नहा लेने से, नर्मदा में नहा लेने से, इतने भी अपने भारतवर्ष के संगम में उसमें नहा लेने से अपने पाप नहीं मिटते, जब तक कि अपन अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर के पाप को नहीं मारेंगे। आज हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई पता नहीं किस किस तरह के विचार हैं। कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी की संपत्ति पर अधिकार रखता है, कोई किसी नारी पर, पराई नारी पर बुरी नजर रखता है। छल, कपट, मोह, माया, दोष, बैर, ईर्ष्या, जलन और पता नहीं क्या क्या। अरे पहले अपने मन को तो साफ रखो, अपने तन को साफ रखो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। मगर नहीं, केवल राम राम जय श्री राम कहने से भगवान राम प्राप्त नहीं होते, पहले अपने अंदर की मैल को मिटाना पड़ता है। मुंह में राम, बगल में सूरी, मीनिंग सबको पता है। अगर भगवान श्री राम जैसा बनना ही है तो उनके जैसा सोचना भी पड़ेगा, उनके जैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा, अपने बड़ों से, छोटों से, सब से। तब कहीं जाके हमें भगवान श्री राम प्राप्त होंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने अंदर के रावण को मारें, अपने अंदर के जो भी पाप हैं उनको मारें, उनका अंत करें, तो हमें भगवान श्री राम मिल सकते हैं। वरना तो बोलते रहो, दिन में 50 बार बोलो आप जय श्री राम, भगवान श्री राम आपको प्राप्त नहीं होंगे। कहते हैं ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। मन चंगा रहेगा तो आपको भगवान श्री राम क्या, आपको सब कुछ मिलेगा, जो आप चाहते हो सब मिलेगा। लेकिन मन चंगा रखो तो ही, अन्य सब कुछ नहीं।